बीइंग म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड, तो भाई जसमान की लास्ट एल्बम है ना 22 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी, यानी कि उनका फुल प्रोजेक्ट आज से लगभग 1.5 साल पहले रिलीज हुआ था, काफी टाइम पहले। अब उन्होंने 2024 में अगेन दो नए ट्रैक्स के साथ में कमबैक किया। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने ये कमबैक सक्सेसफुली कर लिया है अच्छे तरीके से, या फिर कुछ कमी रह गई या जो भी चीज है वो सारी। तो भाई इस चीज को हम दो पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि भाई म्यूजिकलिटी वाइज कि क्या उन्होंने म्यूजिक में वो सारी चीजें करी है, उस तरीके से उन्होंने अपने गाने बनाए हैं जिससे कि इस कमबैक को हम सक्सेसफुल मान सकते हैं, सारी चीज तुम्हें आगे समझ में आ जाएगी। और दूसरी चीज है नंबर्स वाइज कि नंबर्स वाइज भी उन्होंने कमबैक सक्सेसफुली कर लिया है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो बिना वक्त गवाए आपको बताऊं तो भाई पहले म्यूजिकलिटी वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सो भाई सबसे पहले उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो जसमान का सबसे ज्यादा मजबूत पक्ष है, दैट इज कॉम्पोजिशन। क्योंकि तुम स्टार्टिंग से देख लो, जब से उनका करियर स्टार्ट हुआ है हर कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, और डिफरेंट के साथ साथ वो अच्छी भी, कानों को कैची भी लगती है। सो भाई अब जो पहला ट्रैक आया है कमबैक के बाद से, लव एंड लाइज, मैंने रिव्यू भी कर रखा है प्रॉपर, तुम जाके देख सकते हो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो भाई लव एंड लाइज में ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, हाँ सिंपल तरीके से रखी है, लेकिन है ना उस सिंपल में भी तुम देखोगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बाकियों से बहुत डिफरेंट है। वरना रोमांटिक ट्रैक जो हार्ट ब्रेक वाले ट्रैक्स होते हैं ऐसे नहीं होते। सो कॉम्पोजिशन में भाई मेरी तरफ से मुझे जो लगता है पर्सनली कि हाँ भाई वो टेस्ट बरकरार है जैसा पहले था, इवन कि भाई और बेटर ही हो गया है। और अब ये जो नया ट्रैक आया गैराज, इसमें भी तुम देखोगे ना तो आजकल जैसी कॉम्पोजिशन चल रही है उन्होंने वैसी यूज नहीं करी। अगर ध्यान से सुनोगे जो बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं खासकर पंजाबी म्यूजिक, तो तुम नोटिस करोगे कि थोड़ी सी है ना ऐसा टच है कॉम्पोजिशन में जैसे फोक पंजाबी पुराने ट्रैक्स होते थे ना ऐसा। सो कॉम्पोजिशन के मामले में भाई मैं तो मानता हूँ पर्सनली कि हाँ भाई पहले से और बेटर, उन्होंने जो साउंड एक्सप्लोर के लिए टाइम लिया था पहले से और बेटर होके आए हैं। बाकी भाई आई नो एक दो भाई के कॉमेंट भी आए थे कि भाई गैराज का रिव्यू करो है ना, तो भाई अब काफी टाइम हो चुका है तो मैं क्या प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना सकते उस गाने पे, लेकिन ऐसी वीडियो बना देता हूं अभी कमबैक वाली, तो उसके बारे में बात हो जाएगी। सो भाई म्यूजिकलिटी में सेकंड चीज है लिरिक्स। तो भाई लिरिक्स के मामले में भी है ना जसमान का ऐसा जोन रहा है कि ना तो वो बहुत ज्यादा मेटाफर्स यूज करते हैं पहले से, स्टार्टिंग से देख लो बेसिक उनके करियर से, और ना ही वो बहुत ज्यादा कोटेबल लिरिक्स लिखते हैं, वो रिलेटेबल लिरिक्स लिखने की कोशिश करते हैं जो जनता से रिलेट कर पाए। तो भी अब तुम दोनों ट्रैक्स का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि जो लव एंड लाइज था उसमें थोड़ी सी धोखे वाली ब्रेकअप वाली ऐसी बातें की गई थी, तो उसे भी मैंने देखा बहुत बंदे खुद से रिलेट कर पा रहे हैं जिन जिनका ऐसा कुछ भी सीन हुआ है। तो मैंने देखा कि भी लोग स्टोरी लगा रहे हैं तो अभी भी वो मोमेंटम तो बरकरार है जो उन्होंने पहले पकड़ा था। और दूसरी चीज गैराज पे आता है, तो गैराज में भी है ना जैसे एक लाइन बताता हूं तुम्हें कि पट्टा रौंदा याला मोडे ते सजा के कीने सानू रोकना उड़े, तो कितनी सही लाइन है, गाने की जो डिमांड है उस हिसाब से वो लिरिक्स भी लिख पा रहे हैं बिल्कुल। तो हाँ भाई लिरिक्स लिखने में जो उनकी मेन ताकत है कि भी रिलेटेबल लिखने की, तो उसे भाई पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं वो। बाकी लास्ट चीज में आता है म्यूजिकलिटी में कि लाइक गानों का म्यूजिक कैसा हो रहा है, तो भाई तुम देखोगे ना तो लव एंड लाइज में भी सिंथ वेव वगैरह जैसा म्यूजिक चल रहा है उन्होंने वैसा यूज किया, और गैराज में भी तुम देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल ड्रम बेस्ड बहुत ही सिंपल सी बीट यूज की गई है, पूरा कॉम्पोजिशन के दम पे चल रहा है गाना। और वैसे भी यार मुझे ना एवी सरा का म्यूजिक बहुत पसंद है, सो उन्होंने भाई अपना काम परफेक्टली किया। तो इस चीज पे भी तुम देख सकते हो कि ना जसमानक भाई पूरे गानों को परफेक्टली बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, म्यूजिक वाइज लिरिक्स वाइज कॉम्पोजिशन तो उनकी होती परफेक्ट है। सो हाँ म्यूजिकलिटी वाइज तो भाई बिल्कुल पास है वो, इसमें तो सक्सेसफुली कमबैक कर चुके हैं। सो भाई अगले पॉइंट पे आते हैं नंबर्स के पे, तो इसमें ना कुछ एग्जांपल्स देके चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी जैसे कि बताता हूं। तो म्यूजिकलिटी वाइज और नंबर्स वाइज दोनों भाई अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अलग अलग तरीके से कमबैक होता है। तो म्यूजिकलिटी वाइज तो मैंने जैसे बता दिया हो गया, अब जैसे कि हनी सिंह का एग्जांपल लेते हैं। तो हनी सिंह ने ना 2012 में ऐसा म्यूजिक बनाया था जो कि उस समय के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक था, तो फैंस है ना अब भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा रखे हैं कि भी अब के हिसाब से है ना अभी जो समय चल रहा है उस म्यूजिक के हिसाब से और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक बनाएंगे हनी सिंह। बट हनी सिंह तुम्हें जैसा कि पता है इवन कि फैंस भी इस चीज से एग्री करेंगे कि वो नॉस्टैल्जिया फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पुराने ट्रैक से वैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो भाई मैंने हनी सिंह का एग्जांपल है ना इसलिए दिया है क्योंकि ना उन्होंने कमबैक तो जब ही कर लिया था, सक्सेसफुल वाली बात अलग है, लेकिन 2018 में उन्होंने दोबारा गाने ड्रॉप करना शुरू कर दिए थे, जैसे कि सैयाजी जो ट्रैक आया था और ऑलमोस्ट उन पर 400-500 मिलियन व्यूज है, लेकिन म्यूजिकलिटी वाइज अभी भी उनका प्रॉपर सक्सेसफुल कमबैक होना बाकी है, उन्होंने अभी सिर्फ नंबर्स वाइज अपना कमबैक सक्सेसफुल किया है। सो ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। सो जसमाने के नंबर्स पे आते हैं, अभी तो दो ही ट्रैक्स ड्रॉप हुए हैं, सो चलो बताता हूँ। सुबह YouTube पे भी देखोगे ना तो जो लव एंड लाइज है उसके ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज है और गैराज के ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूज है। सो आजकल जैसे YouTube पे से शिफ्ट हो चुकी है ऑडियंस, आजकल लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Spotify वगैरह पे सुनना ज्यादा प्रीफर करते हैं लोग। सो YouTube के हिसाब से जैसे कि अभी बहुत दिनों बाद कमबैक किया तो ठीक है, एवरेज व्यूज है। इसके बाद अब Spotify की बात करते हैं, लव एंड लाइज की ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन स्ट्रीम्स कंप्लीट हो चुकी है जो कि बहुत अच्छी स्ट्रीम्स में काउंट की जाती है। और उसके बाद गैराज अभी 2 दिन पहले रिलीज हुआ है, उसकी भी 50,000 से ज्यादा स्ट्रीम्स है। तो अभी ये गाना भी धीरे धीरे फैलेगा, रील्स वगैरह जैसे
भी है, रील्स का भी तुम्हें बता देता हूँ। लव एंड लाइफ पे अभी तक 30,000 से भी ज्यादा रील्स बन चुके हैं, और तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि प्रमोशन बहुत कम किया जा रहा है, तो ये चीज भी है एक तो। सो हाँ भाई, अब टोटली ज्यादा लंबी नहीं करते वीडियो को, टोटली कहे तो भाई जसमान का ना ऑलमोस्ट हर तरीके से सक्सेसफुली कम बैक कर चुके हैं, म्यूजिकलिटी वाइज तो बिल्कुल परफेक्टली, और नंबर वाइज भी ऑलमोस्ट वो कर ही चुके हैं। बस एक चीज की कमी ये है कि जसमान जब भी कोई भी फुल प्रोजेक्ट ड्रॉप करे, जैसे कि एल्बम, मिक्स टेप वगैरह, तो वो है ना बिल्कुल एज 19 की तरह परफॉर्म करे, जैसे कि तुम नंबर्स वाइज लगा लो चाहे म्यूजिकलिटी वाइज लगा लो, एज 19 जसमान का अब तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है। सो हाँ भाई, दैट्स इट। मे बी तुम्हें कुछ नया जानने को मिला हो, या और कुछ तुम्हें कुछ भी सवाल हो, जवाब हो, कोई सजेशन देना हो, तो कॉमेंट कर सकते हो, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा तुम इतना लास्ट तक देखते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।